डिस्ट्रिक कुकाड़ा की बेहतरीन शख्सियत जो है हाजी राव मोहम्मद अजमल साहब जो है वो इस वक्त हमारे साथ हैं। और आए नाजरी मैं आपकी मुलाकात जो है वो हाजी साहब से करवाते हैं। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया बेटी साहब। राव साहब कैसे हैं आपकी तबीयत? ठीक है। राव साहब यहाँ पे जो न्यू टैलेंट है क्रिकेट का वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो क्रिकेट का शौक रखते हैं और बदकिस्मती से यहाँ पे कोई भी क्रिकेट क्लब जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या इस हवाले से आप हमारे जो यहाँ के जो ड्रैगन के क्लब के दोस्त हैं उनकी कोई हौसला अफजाई करेंगे या उनके साथ कोई तावन करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए? देखिए भाई, हर चीज़ में आपकी एक अपनी ताल्लुक होता है, जो जितना नस्बत आप जिससे बनाएंगे उतनी ज़्यादा नस्बत जो है, फिर अगर खेल के मैदानों से अपना ताल्लुक़ रखेंगे तो यकीनन वो ब्रेन जो पैदा होते हैं वो हमसे ज़्यादा काम और हमसे ज़्यादा आने वाले वक्त का वो एक सबके सरमाया है। और मेरी उम्मीद है कि ये टैलेंट जो आज आज खेल के मैदानों में अपनी तवानाइयाँ सर्व कर रहा है, ये अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में भी पूरी तवानाइयों के साथ कामयाबी और से हमकनार होंगे। मुझे यकीनन खेल के मैदानों में आके हमें सबको एक हौसला अफजाई की ये कुछ सियासी अपना कतई तौर पर जो प्ले ग्राउंड है या कोई टूर्नामेंट है वो सियासत से मंसूब नहीं होते। यहाँ पे आपको एक ऐसा सा माहौल इन बच्चों के लिए पैदा करना चाहिए जिस माहौल से यहाँ पे तंदुरुस्त दिमाग और खेल कूद के लिए मौके फराहम करने चाहिए। ये जो इस वक्त स्टेडियम की हालत है, सूरत हाल इस वक्त आपकी नज़रों के सामने है, क्या आप इस पर भी थोड़ा सा गौर करेंगे? मैंने तो आपको बता दिया कि इंशाल्लाह गोपालपुर में फ्लडलाइट स्टेडियम है, यहाँ भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत होगी, आइंदा द्वार में इंशाल्लाह यहाँ फ्लडलाइट स्टेडियम बनेगा। फ्लडलाइट स्टेडियम में सब वो सहूलतें मुहैया होंगी जो किसी भी लाहौर के एरिया में मौजूद हैं। राव साहब, जो है जो हुजरा शाह मकीम में एक टूर्नामेंट हो रहा है और लोग बड़े जोश व खरोश से हैं यहाँ पे पहुँचे हुए, तो आप ये जो नौजवान आए हुए हैं आप इनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, नौजवान हमारा मुस्तकबिल है और हमें इन लोगों को प्रमोट करना चाहिए और ऐसे खेल के मैदान मुहैया करने चाहिए जो अस्पताल पर रौनक हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह कभी आपके पास तशरीफ लाएंगे, फ्लडलाइट स्टेडियम वहाँ बना हुआ है और हुकूमत इंशाल्लाह जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग की आएगी ऐसे ही हुजरा में फ्लडलाइट स्टेडियम बनेगा इंशाल्लाह। तुसी सारे मोहतरम मुकर्रम जो मेरे तो छोटे हो और जो बड़े ने, मैं बहुत अज एक चीज की खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम प्लेयर ने जो साड़ी आने वाली नस्ल है जिन्होंने सामू रिप्लेस करना है, जिन्होंने साड़ी जगह लेने रह गई है, वो खेलों के मैदान के बीच अपनी जवानाइयां को जो कामयाबियां हासिल कर रहे हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह हमें पाकिस्तान को इसी तरह इन्हें नौजवानों आने वाला वक्त हो, इतना आसानियों का वक्त हो गए कि इन्होंने तमाम मसायब से मुश्किल अल्लाह तला लेकिन मेरा पाकिस्तान मौसम नून न वापस्ती है और खेल का मैदान कोई कंट्रोवर्शियल नहीं होता है। हर मतबाए क्रिकेट ने हर सोच से खिलाड़ी ने खेल के मैदान में जाना होता है। मैं अपनी जमात तरफों भी और अपने कायदे की तरफों भी और अपने तरफों भी दुआ कुआ कि अल्लाह ताला मैंने मौका देवे कि इस स्टेडियम में एक दीपाल जैसा फ्लडलाइट स्टेडियम और मुश्किल भी आदि ने, लेकिन जो लोग साबित कदम रहते ने अल्लाह तला हमेशा उन्होंने हमें नासर होता है। मैं तमाम दोस्तों का मैं आपद साहब का बड़ा मशहूर हाँ कि जिन्होंने हमला लगने वास्ते इतनी कोशिशें की और ऑल द वे फ्रॉम लाहौर टू सारे पंजाब के बीच अपने हमरा एक ऐसा साडा जगाई है जिसने इकतदार की उपलब्धियां देखियां और अज कैदो बंदी सुखता भी नजर होया हुआ है। इंशाल्लाह वक्त भी गुजरेगा, लेकिन मैं जरूर पैगाम दिया सियासी जमाया जंगी भी रह गई
हौसला बर्दाश्त और एक दूसरे के इज्जत एहतराम कायम रखने चाहिए ने और सियासत इंतकामी सियासत का जो तुर रहे हैं इस जमात ने अपना बना लिया है जिन्हें मुल्क का नुकसान होगा और साढ़े वास्ते पहले पाकिस्तान है बिल्कुल जो मान लिया है खुदा आपका अभी उसको यही